खदान समीप ग्राम बुंदेली और कुकुर मोड़ा के धान उपार्जन केंद्र में परिवहन धीमी होने के कारण प्रबंधक व स्टाफ के व्यक्तियों को हो रही है समस्या। वहीं आपको बता दें कि मौसम बिगड़ने के कारण परेशान हो रहे हैं प्रबंधक। प्रबंधकों का कहना है कि अगर धान अधिक दिनों से परिवहन में होता है तो धान का वजन सूख जाने के कारण कम हो जाता है और उनकी भरण को हम प्रबंधकों को भरना पड़ता है। वहीं इधर किसान की समस्याओं को सुलझाने में लगी है सरकार और इधर अब प्रबंधकों की समस्याएं बढ़ने लगी। आपको बता दें कि बुंदेली उपार्जन केंद्र में आवक धान 34,142 क्विंटल, कुल परिवहन 14,332 और राशि 6,40,95,851 रुपया हुआ है, जिसमें से कुल किसान 853 में से 50 किसान धान विक्रय करने हेतु बाकी। और इस तरह आपको बता दें कि कुकुड़ा सहकारी समिति में खरीदी गई धान की मात्रा 31,993 क्विंटल और मिल को जारी धान की मात्रा 480 क्विंटल, संग्रहण केंद्रों को जारी धान 12,740 क्विंटल, वर्तमान में उपलब्ध धान 18,746 क्विंटल है। दूसरी समस्या ये है कि परिवहन गाड़ी में लगे मजदूरों को उनके कार्य करने का पैसा अभी नहीं मिलने के कारण मजदूर परेशान हो रहे हैं। सर, आपका शुभ नेम? मेरा शुभ नाम रोहित साहू, समिति प्रबंधक कुकुर मोड़ा। अच्छा सर, आपको समस्या किन किन चीजों से हो रही है? समस्या सबसे परिवहन का, यहाँ मेरे यहाँ अभी 31,963 क्विंटल 60 किलो का खरीदी हुआ है। हाँ हाँ। और मात्र 12,740 क्विंटल ही परिवहन हुआ है। अच्छा अच्छा। अभी फड़ में मेरे पास 18,743 क्विंटल 60 किलो धान रखा है। हाँ हाँ। जो परिवहन नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, जिसे सूखा की संभावना है। R9 भारत, गोपी वर्मा, कवर्धा, राजनांद गांव जिले की चिचौली थाना क्षेत्र के पाटे कुहारा के पास मंगलवार को दो बाइक में आमने सामने जोरदार भिड़ंत होने की घटना सामने आई है। घटना में बाइक में सवार दोनों युवकों की मौत हो गई है। पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना में जुटी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी कमलेश पिता इंदिरालाल उम्र 24 साल ने शकील कन्हार गाँव थाना बाग नदी में शिकायत दर्ज कराई है कि संगवारी ढाबा के सामने पाटे कोहरा में मोटरसाइकिल क्रमांक CG 8P 1345 का चालक देवी सिंह ने सामने से आ रहे बाइक CG 7BF 2628 में सवार कमल को जोरदार टक्कर मारा, जिससे कमल की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं दूसरे बाइक में सवार देवी सिंह की भी मौके पर मौत हो गई है। कलेक्टर कोरिया SN राठौड़ ने मनेन्द्रगढ़ एवं आसपास केंद्रों एवं गौठान का आकस्मिक निरीक्षण किया। किसानों व स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं के बारे में उन्होंने जाना। उन्होंने ग्राम बरबसपुर में गोठान एवं धान खरीदारी केंद्र, नागपुर धान खरीदारी केंद्र, लाई गोठान व लेमन ग्रास नर्सरी चैनपुर धान खरीदारी केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने गोठान में महिला समिति व धान खरीदारी केंद्रों में किसानों से चर्चा की एवं समिति प्रबंधकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान मनेन्द्रगढ़ SDM नयन तारा सिंह तोमर, CEO जिला पंचायत, अन्य प्रशासनिक अमला मौजूद था। कलेक्टर सत्यनारायण राठौड़ ने सर्वप्रथम ग्राम बरबसपुर में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति धान खरीदारी केंद्र का निरीक्षण किया, जहां समिति प्रबंधक चंद्र प्रकाश साहू के द्वारा उन्हें धान खरीदारी एवं उठाव बारदाने सहित अन्य आवश्यक जानकारी दी गई। इस दौरान कलेक्टर श्री राठौड़ किसानों से रूबरू हुए। किसानों ने उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया, जिस पर उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं को शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन दिया। R9 भारत, संभाग हेड अजीम अंसारी, कोरिया, बैकुंठपुर, छत्तीसगढ़। डोंगर गांव जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहड़ में लगातार हो रहे अतिक्रमण को लेकर ग्रामीण ने पंचवाड़ी से शिकायत की, जिस पर पंचायत प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानी थी। इसके संबंध में डोंगर गांव थाने को भी सूचना दी गई थी। वहीं बुधवार को अतिक्रमण हटाने के लिए JCB मशीन को भी मंगवाया गया था। अतिक्रमणकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच काफी देर तक वाद विवाद चला और अंततः गांव के ही व्यवसाय करने वाले इच्छुक व्यक्तियों को निर्धारित शुल्क के साथ निश्चित स्थान दिया जाएगा, इस बात के बाद मामला शांत हुआ और मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। बता दें कि मोहड़ मैदान से लेकर छुरिया जाने वाले रोड किनारे कीमती जमीन अतिक्रमण की भेंट चढ़ रहा है। वहीं अतिक्रमण हटाने के लिए ग्राम के ग्राम पटेल, पंच, गण तथा ग्रामीण ने पहल की। साथ ही बताया कि अतिक्रमण के कारण आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है और बाहरी लोगों के द्वारा भी यहां आकर अतिक्रमण किया जा रहा है, जो कि गलत है। इस मामले में गांव के ही भूषण ने बताया कि हमारे गांव में अवैध कब्जा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसे हटाने की कार्रवाई के लिए पंचवाड़ी के द्वारा थाने से सुरक्षा की मांग की गई थी। ग्रामीण द्वारा काफी बड़े जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, इस बात को लेकर वाद विवाद चल रहा था।
वहीं ग्राम सरपंच आशा दिवाकर ने बताया कि अतिक्रमण बहुत बढ़ गया था और आपत्ति नहीं करते तो स्कूल और खेल मैदान रोड बनाने के लिए भी जगह नहीं बचता। हमारे द्वारा समझाइश दी गई है कि वर्तमान में अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने को कहा गया और भविष्य में पंचायत की ओर से शुल्क और स्थान निर्धारित कर जगह आवंटित किया जाएगा। हमारे गांव में अवैध दिनों दिन बढ़ते जा रहा है ना। उसको हम लोग पंच पार्टी लोग कल थाना में गए थे सुरक्षा बल के रूप में, है ना, कि यहाँ पे हमारे गांव में अवैध बढ़ते जा रहा है, लेकिन सुरक्षा बल के रूप में आप लोग रहोगे क्योंकि वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकता है करके, है ना। लेकिन थाना वाले लोग बोले जी कि एस डी में पहले परमिशन लो, है ना। हम लोग बोले भी कि सर कि पंच पार्टी और सरपंच जो है एकदम मौजूद है, है ना, फैसला भी लिया, सबका साइन भी है, ठीक है। लेकिन गाँव वाले कुछ गाँव वाले हैं जो एकदम सपोर्टिंग में है ना, अवैध कौजाली सपोर्टिंग में है। अतिक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, अगर आज तक कुछ ऑब्जेक्शन हम लोग नहीं उठाते तो ये स्कूल जगह बचा है ना वो भी नहीं बचते। और यहाँ पे मेन हमारे यहाँ हाई स्कूल तक रोड पास हुआ है, वो रोड बनाने के लिए भी जगह नहीं बचते। और इन लोगों को बोल रहे हैं कि अभी अतिक्रमण हटा दो, बाद में हम लोग पंचायत की तरफ से आप लोगों को दुकान देंगे ऐसे करके। पंचायत की तरफ से जैसा भी बनेगा कुछ कुछ का बांधेंगे उसके हिसाब से देंगे। बुधवार को अतिक्रमण हटा।